इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जनहित हमारा पहला सरोकार है। इसी श्रृंखला में हम एक स्वास्थ्य सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। पिछली दो कड़ियों में हमने किडनी रोग के बारे में बात की थी। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज आर शाह, जो गुजरात के मशहूर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेज एंड रिसर्च सेंटर एंड ट्रांसप्लांटेशन साइंसेज के बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर हैं, जिन्हें 38 वर्षों का अनुभव है। वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो डीन हैं, वो एक बहुत ही कामयाब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो आपने उनसे काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। कुछ प्रश्न लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। उनके बारे में चर्चा करने से पहले एक छोटी सी घटना आपको बयान करना चाहती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में एक मुस्लिम महिला एडमिट थी, जो कि बहुत ही गंभीर हालत में थी। डॉक्टर शाह ने उनकी सारवार की, देखभाल की और वो स्वस्थ हो गई और उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। आदर स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप डॉक्टर साहब के नाम पर उन्होंने अपने बच्चे का नाम पंकज खान रखा, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं विदेश में भी हुई और लोगों ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ऐसे डॉक्टर पंकज शाह आज फिर हमारे स्टूडियो में हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किडनी रोग से किस तरह बचा जा सकता है। डॉक्टर शाह, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मधु जी, आप बहुत परमार्थ वाला काम कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि भारत के सभी लोगों को, खास करके ग्रामीण लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला है। मैं शुरुआत दो शायरी से करूँगा। एक बुझी क्षमा की तरह था जो दिल मेरा, देवता की आरती का बन गया दिया। एक बुझी क्षमा की तरह था जो दिल मेरा, देवता की आरती का बन गया दिया। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताए कैसे भूलेंगे हम। दूसरा, एक गुजराती शायर ने लिखा है एक जगह पे कि मात्र दवा थी हमने सारू नहीं थाई साहेब, साथे संबंधी मिठास उमेर जो हमारी सारवार माँ। उसका हिंदी मायना ये होता है, सिर्फ दवाई से हमको अच्छा नहीं होने वाला है, इसके साथ संबंध की मिठास आप उसमें ऐड करिएगा, तभी मुझे अच्छा होने वाला है। इसका मायना ये होता है कि हमें पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जैसे वो अपना संबंधी हो या अपना भाई बहन हो। जी, डॉक्टर साहब की एक और भी खासियत है कि इनकी स्पर्श क्रिया, यानी जैसे पहले समय में होता था कि घर में कोई बच्चा आया तो बड़ी बूढ़ी घर की जो है उस एकदम गले से लगा लेती थी, या कोई और जवान आया तो कोई पैर छूता था, यानी एक स्नेह पूर्वक वातावरण रहता था। तो डॉक्टर साहब की ये खासियत है कि इनकी स्पर्श क्रिया से मरीज़ आधे ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आपको कब, ये आपके दिमाग में कब आया कि इसका प्रयोग किया जाए? मैडम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये स्पर्श क्रिया धीरे धीरे हमारे डॉक्टर्स लोग अनफॉर्चुनेटली भूल रहे हैं। स्पर्श क्रिया का मुझे उसका उस वो मुझे डॉक्टर त्रिवेदी ने सिखाया था, हमारे जो डायरेक्टर और पद्मश्री है उनके सिखाया था कि हम अगर पेशेंट को कोई सेफ जगह पे टच करते हैं तो उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। उसका मायना ये है कि मैं आपकी केयर कर रहा हूँ, आपको मैं अपना समझ रहा हूँ और आपको मैं अच्छा करके ही रहूँगा। ये बहुत सारी बातें और अपना हम इसके द्वारा हम अपनापन जताते हैं। मीन्स स्पर्श से बहुत सारी चीज़ें पेशेंट में ट्रांसमिट जाने अनजाने में होती है और मैं किसी तरह से पेशेंट को कोई ऐसी जगह पे टच करूँगा, सेफ जगह पे टच करूँगा कि पेशेंट को मालूम चले कि मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, मैं उसका स्नेही हूँ, मैं उसका संबंधी हूँ। जी डॉक्टर साहब के पास कितना भी काम का दबाव हो, लेकिन ये हमेशा प्रसन्नता से और बहुत खुशी से अपने पेशेंट्स को देखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने शायरी से शुरुआत की है तो मुझे भी एक शायरी याद आ रही है। दो चम्मच हंसी और
दो चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कान, बस यही है खुराक, यही है पहचान। डॉक्टर साहब बहुत खूब। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न ये है कि समाज में लोग तरह तरह के नशे करते हैं, क्या नशे का भी किडनी रोग को बढ़ाने में कोई हाथ है? आपने मैडम बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, और ये अभी जो ज्वलंत समस्या है, खास करके जब पेशेंट तंबाकू का सेवन करता है, टोबैको का करता है, तो टोबैको बॉडी की हर एक सिस्टम को इफेक्ट करता है, हर एक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैंसर भी कर सकता है, किडनी को फेल भी कर सकता है, किडनी पे सूजन भी लग कर सकता है, किडनी की नसों को सिकुड़ता है, ब्लड पेशाब की थैली में कैंसर कर सकता है। तो टोबैको इतनी बुरी चीज़ है कि वो बॉडी के हर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी समाज द्वारा और सरकार द्वारा तंबाकू के सेवन को निकाल दिया जाना चाहिए, या तो मिनिमम कर देना चाहिए। इसके अलावा जब पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीता है, तो वो लीवर को तो नुकसान करता ही है, लेकिन इनडायरेक्टली गुर्दे को भी नुकसान करता है। इसके अलावा मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन, जो जिसको हेरोइन कहते हैं, तो हेरोइन का सेवन करने से हेरोइन नेफ्रोपैथी होती है, जो एक हमारे एनआरआई नेफ्रोलॉजिस्ट टीकेएस राव ने डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा जब कोई पदार्थ इंजेक्शन द्वारा लेता है, नशीला पदार्थ, तो इसके द्वारा HIV, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, ये सब रोग भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, और ब्लड में इन्फेक्शन भी लग सकता है। तो आदमी बेहाल हो जाता है, खुद को तो डिस्ट्रॉय करता है, अपने रिलेटिव्स को डिस्ट्रॉय करता है, सारे समाज को डिस्ट्रॉय करता है जी, और गुर्दे को तो डिस्ट्रॉय करता ही है। डॉक्टर साहब, अंगदान महादान है, इस बात को समाज में कैसे फैलाया जाए? अभी भी लोग दफनाने में, जलाने में विश्वास करते हैं। हाँ मैडम, आपने ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात की, ये भी आज की समस्या है और आज की ज़रूरत है। हमारे गुजरात में और सारे इंडिया में उसका प्रसार हो रहा है कि हम जब ब्रेन डेथ होता है, ब्रेन डेथ का मायना होता है जब ब्रेन काम नहीं करता हो मेडिकली, और फेफड़े और हार्ट को आर्टिफिशियली हम चालू रखते हैं, उसको हम ब्रेन डेड पेशेंट कहते हैं या डिसीज डोनर कहते हैं। तो ऐसा पेशेंट अपने सभी के सभी ऑर्गन्स, जैसे कि गुर्दा, लीवर, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, इंटेस्टिन, हाथ, पैर, पेनिस, ये सबका डोनेशन कर सकता है। अब सवाल होता है समाज की जागृति का, क्योंकि ये नया, ऐसे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 50-60 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में अभी अभी आ रहा है। साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित हुआ है, नॉर्थ इंडिया में कम प्रचलित हुआ है, हमारे गुजरात में बहुत तेज़ी से पिकअप कर रहा है। इसके लिए समाज की जागृति ज़रूरी है, समाज को, आप मीडिया वाले, हम डॉक्टर्स, NGO, सबकी जिम्मेदारी है कि जब हमारी मृत्यु होती है तब दफनाने में या तो जब जलाने में ये सब ऑर्गन्स का कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये ऑर्गन्स अगर किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए तो उसको नई ज़िंदगी मिलेगी, और नई ज़िंदगी के द्वारा आप भी सौ साल तक जिंदा रहेंगे, ऐसा प्रचार करना चाहिए। दूसरा प्रचार हमारे मेडिकल फील्ड में करना चाहिए, क्योंकि कई हमारे डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं होता है कि डिसीज ऑर्गन या कैडेवर किसको कहा जाता है, और कैडेवर अगर उसको मालूम भी है तो उसको ये लगता है कि ऐसा जाहिर करने से मुझे क्या फ़ायदा, लेकिन ये एक फिलेंथ्रोपिक काम है, समाज सेवा का लक्ष्य वाला काम है, और हर एक डॉक्टर को चाहिए कि ऐसा कि जब भी कोई पेशेंट ब्रेन डेड हो तो उसके फैमिली के साथ बैठे काउंसलिंग करे, समझाए। तो मैं समझता हूँ कि भारत की पूरे की पूरी ज़रूरत, ये ज़रूरत ऑर्गन्स की ज़रूरत पूरी हो सकती है, और इतने सारे ऑर्गन्स मिल सकते हैं कि हम दूसरे देशों को भी सहायता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे गुजरात में आपने कहा कि ये पिकअप कर रहा है, तो यहाँ की ज़रूरत क्या है और कितने % अभी तक आप पूर्ति हो पा रही है?
हाँ मैडम, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ कैडेवर ट्रांसफर पिकअप करा है हमारे नए डायरेक्टर जो बहुत डायनेमिक है विनीत मिश्रा जी। वो चाहते हैं कि बाय 2022, जबकि हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, तब एक भी आदमी बिना ऑर्गन का न रहे और किसी को भी जीवंत आदमी से ऑर्गन नहीं लेना पड़े, ऐसा उनको उन्होंने इनिशिएटिव एक महाअभियान शुरू किया है। और उसके लिए वो सारे गुजरात में बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं और अभी भी बहुत जल्दी हमारे सिविल कैंपस में वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, बड़ौदा में कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, साउथ गुजरात में ऑलरेडी साउथ गुजरात में तो पिकअप कर लिया है, भावनगर में दूसरे एरिया में पिकअप कर रहे हैं, अहमदाबाद की अलग अलग हॉस्पिटलों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस तरह कैडेवर डोनेशन की बढ़ जाती है और फॉर्चुनेटली इतनी धीरे धीरे बढ़ने लगी है कि उनका इनिशिएटिव शायद 2022 से पहले ही पूरा हो जाएगा। हमारे कई ऐसे VIPs लोग हैं जिन्हों को गुजरात में से गुर्दा या अलग और कोई ऑर्गन मिला हो। डॉक्टर साहब, इस समय इसका मतलब यह है कि कैडेवर के लिए एक महाअभियान आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, तो फिर डायलिसिस की क्या स्थिति है? क्या ये केवल इसकी सुविधा महानगरों में है या छोटे शहरों और गांव में भी है? मैडम, ये पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ, ये महाअभियान सिर्फ मेरा नहीं है, डॉक्टर का नहीं है, आपका भी है, आम आदमी का भी है, सारा समाज का है, पॉलिटिशियन का भी है, सभी का है। तभी ये इतना पिकअप करेगा कि किसी को कोई किडनी फेलियर से, लीवर फेलियर से, हार्ट फेलियर से, लंग फेलियर से कोई पेशेंट नहीं मरना चाहिए। ऐसा अभियान हम सबको इकट्ठा मिलकर करना है, बिकॉज दैट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम। और दूसरी बात कही डायलिसिस सर्विस, गुजरात में मैडम डायलिसिस सर्विस बहुत सुंदर चल रही है, उसमें हमारे डायनेमिक डायरेक्टर विनीत मिश्रा जी का भी बहुत सहयोग है और गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत सहयोग है। मेरे ख्याल से लगभग गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपीस का बजट ये डायलिसिस की सर्विसेज के लिए रखे हैं। हमारे किडनी हॉस्पिटल में ही नहीं लेकिन सारे गुजरात में लगभग 48 सेंटर्स डायलिसिस के शुरू किए गए हैं और जरूरतमंद पेशेंट को कम से कम मुसाफरी करके डायलिसिस की सुविधा मिले ऐसा व्यवस्था की गई है। और कितने किलोमीटर पे डॉक्टर? हाँ मैडम, अभी 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है लेकिन हमारे डायरेक्टर चाहते हैं कि हर 20-25 किलोमीटर पे डायलिसिस सेंटर होना चाहिए और डायलिसिस के लिए आदमी को 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली दैट मैडम, लेकिन हर एक पेशेंट को अच्छे से अच्छा डायलाइजर मिलता है जो हमको एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं और उसको खून बढ़ाने के इंजेक्शन, एरिथ्रोपोएटिन और आयरन वो भी मुफ्त में मिलते हैं, बाकी की दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 300 रुपये देने की सुविधा भी की गई है हर एक पेशेंट को। तो इतनी अच्छी सर्विसेज हमारे गुजरात में चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई योजनाएं निकाली है डायलिसिस के लिए, वो भी सुनर और लेटर सारे इंडिया में प्रचलित हो जाएगी। मोदी जी ने ये कॉन्सेप्ट लिया था और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शायद थोड़े सालों में सारे भारत में मेरे ख्याल से कोई भी पेशेंट बिना डायलिसिस का नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब, गुजरात सरकार ने इस रोग से निपटने में कितनी सफलता पाई है? बहुत बहुत सफलता पाई है मैडम, मैं कह सकता हूँ 70-80% सफलता पाई है और वेरी सुन 100% या 110% सफलता पाएगा। उसमें मैडम ये कॉन्सेप्ट, ये अभियान जब मोदी जी CM थे तभी से शुरू हुआ है, बाद में आनंदी बेन आए, रूपाणी साहब आए, नितिन भाई है, सभी ने गुर्दे के पेशेंटों के बारे में चिंतित है और सब लोग चाहते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, आर्थिक सहयोग, इमोशनल सहयोग देते हैं ताकि गुर्दे के पेशेंट को कम से कम तकलीफ पड़े। इसके अलावा गुजरात सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है ताकि पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन भी फ्री ऑफ चार्ज मिले। अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, वो भी चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है जी। तो डॉक्टर साहब, ये आर्टिफिशियल किडनी जो है इसकी कब तक आने की संभावना है? मैडम, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसको हम
या तो बायोनिक किडनी कहते हैं या बायो आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि शुभो रॉय नाम का एक बांग्लादेशी था, अमेरिका में तो ये इस साल के एंडिंग में अवेलेबल होने वाली है। और जो जिस तरह से मोदी जी प्रगतिपूर्वक काम कर रहे हैं, तो मुझे तो आशा है कि दो साल में इंडिया, दो या तीन साल में इंडिया में आता है, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो डॉक्टर साहब, जो ये आर्टिफिशियल किडनी होगी, इसमें रिजेक्शन के चांस? बिल्कुल नहीं मैडम, नो चांस। कैडेवर में होते हैं? हाँ, कैडेवर किडनी में होती है, रिलेटिव की किडनी में भी थोड़े से होते हैं, लेकिन ये तो मैडम आर्टिफिशियल है, वो जो नैनो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, तो उनको कोई रिजेक्शन की दवाई भी नहीं देनी है, रिजेक्शन आने वाला भी नहीं है, तो नो एस्टेराइड, और उसको डायलिसिस सेंटर में जाना भी नहीं है, स्टीरॉइड भी नहीं लेना है, कोई दवाई नहीं? नो नो मैडम। तो सो इट विल बी अ ब्रेक थ्रू, या तो रिवॉल्यूशन या क्रांति गुर्दे के डिजीज में। जी डॉक्टर साहब, ये अफोर्डेबल होगी हर आदमी को? मैडम ये भी आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, शुरुआत में तो बहुत महंगी होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे पैसे लगाए होंगे, वो शायद धीरे धीरे रिकवर करना चाहेंगे रिसर्च करने में। हाँ, बहुत मतलब 20 साल तक उन लोगों उनके सारे ग्रुप ने बहुत मेहनत की है, कई चढ़ाव उतार आए हैं, और इसके बाद वो लोग बना सके हैं। तो शुरुआत में तो जरूरत से जरूर ज़्यादा कीमत होगी, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, फिर NGOs आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, सब्सिडी मिलेगी, तो धीरे धीरे इट विल बी वो आम आदमी तक पहुंचेगी थोड़े सालों में, ऐसा मेरा सोचना है। हर एक चीज़ ऐसी हुई है मैडम, ट्रांसप्लांटेशन, डायलिसिस शुरुआत में बहुत महंगे थे, अभी धीरे धीरे टू द रीच ऑफ मिडिल क्लास या लोअर क्लास तक पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, जितनी आपने विश्व प्रसिद्ध जिस तरह से आप हैं, इतनी कामयाबी पाने के लिए आपने क्या किया, कुछ अपने बारे में बतलाएं? मैडम मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मुझे जो सहायता मिली है, मेरी माता जी जो वाराही माता है, उसमें मैं बहुत मानता हूँ, और उसके 12 हाथ मेरे पर है ऐसा मानता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर त्रिवेदी जी का मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, और वो मुझे मानस पुत्र भी मानते हैं, और उन्होंने सभी अपने सभी के सभी गुण मेरे में सिंचन किया है। इसके अलावा मैडम आप मीडिया वालों ने, आप लोग मेरे लिए बहुत जनरस रहे हैं, बहुत सम्मिलित रहे हैं, उसका भी मुझे पूरा लाभ मिला है, मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला है, और थोड़ी नसीब की बातें भी होती है, पुरुषार्थ की भी बातें होती है, नसीब ने मुझे साथ दिया है, पुरुषार्थ में दिन रात करता रहता हूँ, लेकिन मनुष्य यत्न होता है और प्रभु की कृपा होती है, ये सब इकट्ठा होके आज मैं जो भी हूँ वो हूँ। लेकिन एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा मैडम, मैंने एक जिंदगी में एक ही खून किया है, और मैंने मेरे ईगो का खून किया है, मेरा ईगो 0% है मैडम, और इस तरह से मैं हल्का पुल्का मगज, ब्रेन, हल्का पुल्का हार्ट, हल्के पुल्के फेफड़े, हल्का पुल्का लीवर, और सारा बदन हल्का पुल्का लेके फिरता हूँ, और जिंदगी का पूरे का पूरा मजा ले रहा हूँ जिंदगी जीने का। यानी जो आप गुजरात के हैं, तो गांधी जी के अहिंसा का पूरा असर आप पे आ गया। या मैडम, आई कैन से। डॉक्टर साहब, सोचा था आपने इतनी प्रसिद्धि मिलेगी? नहीं मैडम जी, कभी नहीं सोचा था। आप लोगों से मिलना होगा ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। माता जी की दुआ इतनी हो गई, और सब और कुदरत मुझे यहाँ तक ले आई, सभी मेरे दोस्तों ने मुझे सहायता की, हमारे डायरेक्टर सर ने सहायता की, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने सहायता की, फैमिली मेंबर्स ने की, आप मीडिया वालों ने की, ये सब इकट्ठा हुआ और मैं आज आपके इस तरह खड़ा हूँ। मित्रों, ये हैं ईगो लेस डॉक्टर पंकज आर शाह। इससे पहले कि मैं ये चर्चा समाप्त करूं, इनके शान में एक शेर अर्ज करती हूं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मित्रों, डॉक्टर पंकज आर शाह पे एक पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ है, जज्बाए ज़िंदगी, इसका लोकार्पण तत्कालीन राज्यपाल
गुजरात श्री ओपी कोहली द्वारा किया गया था और इस पुस्तक की भी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है और बहुत सर्कुलेट हुई है। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।